नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम पर दलित परिवार की शादी में हंगामा करने के मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से पंडित धीरेन्द्र कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं। इस कड़ी में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है कि सबका भविष्य बताने वाले बाबा खुद अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाए। किसी भूत प्रेत ने भी पहले नहीं बताया कि FIR दर्ज होने वाली है। बता दें कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स शादी समारोह में सिगरेट पीते हुए और पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे कारनामे जो शख्स कर रहा है उसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। वहीं बारातियों ने आरोप लगाते हुए कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई ने ग्राम गढ़ा में कल्लू अहिरवार की बेटी सीता के घर पहुंचकर बारात में हंगामा मचाया। इसके साथ ही बताया गया कि सालिग्राम गर्ग शादी समारोह में शराब के नशे में कट्टा लहराते हुए आए थे और सिगरेट मुंह में फंसाए अभद्रता कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि सालिग्राम गर्ग ने गाली गलौज की, महिलाओं से अभद्रता की और कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा सालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं है, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं है और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सबके के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।